दोस्तों, क्या हुआ जब 15 किलोमीटर तक एक ट्रेन बिना इंजन के दौड़ पड़ी? दरअसल घटना 2018 की है, जब अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस रात करीब 10 बजे ओडिशा के तितलगढ़ जंक्शन पहुंचती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कई बार यात्रा के दौरान ट्रेन के इंजन बदले जाते हैं ताकि उसे दूसरी दिशा में ले जाया जा सके, ठीक इसी तरह अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस के इंजन को भी बदला जा रहा था। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर यानी लोको पायलट ट्रेन के डिब्बों पर स्कीड ब्रेक्स लगाना भूल गए। ट्रेन ढलान पर खड़ी थी और जैसे ही ट्रेन के डिब्बों को इंजन से अलग किया गया, ट्रेन के डिब्बे ढलान पर सरकने लगे और देखते देखते इस ट्रेन ने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली। प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ रेल कर्मचारी ट्रेन में बैठे लोगों को चेन खींचने का इशारा करने लगे, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। अब इस ट्रेन को रोक पाना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन किसी तरह 15 किलोमीटर चलकर आगे चढ़ाई की वजह से ये ट्रेन रुक गई और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। क्योंकि अगर इस ट्रेन के डिब्बे किसी दूसरी ट्रेन से टकरा जाते या पटरियों से उतर जाते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दोस्तों, ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।